वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास सोन सिंह खालसा इतिहासकार। मेरा फोन नंबर 6478549038 है। अज मैं गल करनी है जेडे स्टूडेंट इंडिया वाले पंजाब तो कनेडा आउंदे ने। मैनू कुछ स्टूडेंट मिले जेडे दिसंबर तो आए हुए ने, अजे तक काम नहीं मिलिया। इत्थे दीआं सरकारी रिपोर्टां दे मुताबक ब्रैम्पटन दे विच 1,20,000 स्टूडेंट है। टोरंटो, मिसिसागा, ओकबेल, इटोबिको मिला के लगभग 2,00,000 स्टूडेंट्स रह रहे ने, और उन्हां विचों 60% दे कोल काम है नहीं। काम ना मिलण दा कारण यह भी आ कि स्टूडेंट की किसी की क्लास सोमवार होंगी, किसी की मंगलवार होंगी, किसी की 3 बजे शुरू होंगी है। कंपनियां तो काम अपने हिसाब से लेना, स्टूडेंट नूं काम स्टूडेंट दे हिसाब नाल चाहिए। मैं जिक्र करना चाहवांगा, 2 बच्चे मैनूं पहला मिले जिहड़े 3 महीने तो सिर्फ मैगी का 1 पैकेट खाकर गुजारा करते। हुण 1 बच्चा मिलिया जिने पिछले 2 महीने तो 1 ब्रैड का पैकेट जिहड़ा हफ्ता कढ़दा सी, मतलब एक आटा बहुता महंगा नहीं, $20 का पैकेट आता, पहले तो चलो $10 का मिलता होंदा, हुण $20 का हो गया। आटा लैण दे भी पैसे उहदे कोल नहीं सी। बहुत सारे बच्चों की फीस दित्ती। एक स्टूडेंट रात को एमरजेंसी लड़की बीमार हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लगाए, उसका इंश्योरेंस है नहीं सी, $1,000 उसका भरिया, डिलीवरी वाले केस 6-7 करवा दिते। इस करके मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, एक तो असी कर्जा लेके बच्चे भेजते हैं बाहर महंगे ब्याज से, थोड़ा खा लो, बच्चों नू स्ट्रेस ना दो। इतों काफ़ी बच्चे इंडिया जिन्होंने घर से गुंजाइश सी वह वापस भी मुड़ गया। कुछ एक मापे बच्चे को कहा इतने मर जायो पर वापस ना आयो। मैनू पता तुहाडा भी जिहड़ा बाल बाल करजे च बिन्या होया, पर उस करजे दे करके बच्चों की जान का खौ ना बनो। इत्थे हुण तां चलो असी कंट्रोल किया, महीने च 8 बच्चों की किसी की हार्ट अटैक ना मौत हो जाती सी, कदे किसी की किस तरह मौत हो जाती सी। बहुत सारे केस इदां दे है। हुण भी एक लड़का 3-4 दिन पहला, एक तो 3-4 दिन पहला, दोनों हार्ट अटैक दे केस है जी। इस करके कनेडा विच काम बिल्कुल है नहीं। लीज बदन दे नाल मालकां दी भी मजबूरी है, लैंडलॉर्ड दी मजबूरी है, उन्हों भी जिहड़ा रेंट बधाउणा पै गया, बैंकां दा इंट्रस्ट बढ़ गया, खर्चे बहुत बढ़ गए ने, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कालजां दीआं फीसां बढ़ गईआं ने, बस किराए चलो बहुता वाधा नहीं होया पर कुछ सेंट दा वाधा उहदे च भी होया है, ग्रोसरी च भी वाधा होया। इस करके दोनों हाथ जोड़ के बेनती है, जे तुहाडे कोल पिछों बच्चे नूं सपोर्ट करन दी हिम्मत नहीं, अपने बच्चे कनेडा दे विच भेजण तों तौबा कर लो। इत्थे बिल्कुल काम नहीं है, इत्थे बहुत बच्चे फिर गलत काम करन लग पैंदे ने। माफ करना मैनूं इह गल्लां कहणियां पैणियां ने। कार चोरी च फड़े गए, उस चो बहुते साडे सी, हुण फिर फड़े गए, कुछ हेरा फेरियां करदे उस चो भी बहुते साडे सीगे। किते इह ना होवे कि इत्थे पंजाबी कम्यूनिटी नूं एक क्राइम की नज़र नाल देखण लग पण, बे तां क्राइम करन आउंदे ने, ते जराइम पेशा ने जी। इदां दीआं गलतियां माफ करना, मैं अपने लफ्ज़ां नूं संकोच वे शब्दां च, बच्चे होर बच्चे बच्चियां गलत काम भी करदे ने, बहुता कुछ कह नहीं सकदा, पर कनेडा जिहदे कोल काम है नहीं उहदी कोई जिंदगी नहीं है। मैं काम करदा जी, 50 घंटे काम करदा, $1,000 तो ज़्यादा मिलदा, गुरुद्वार कथा भी करना जी, अमरीका लैक्चर भी करना, जिनी मेरी कमाई है मैं हाथ जोड़ के बच्चों से ला देना, ग्रोसरी दे देना, फीस भी दिती है, बच्चे पैसे मोड़ते भी नहीं, असं फिर भी परवाह नहीं करते। पर माफ करो, इस तो औखी जिंदगी कोई नहीं। बच्चे स्ट्रैस के 28 बच्चों का इलाज करवाया मैं, जेडे डिप्रैस होकर घर के अंदर बंद सी। एक लड़का जिहड़ा जंगलों च रहिंदा सी, डिप्रैस होकर नशे करन लग पिया, जंगल चो लिया के इलाज करवाया। एक लड़की पागल होकर सड़कां ते घूमदी सी, फिरोजपुर जिले दी सी, उहदे कोल पासपोर्ट भी है नहीं सी, मैनूं 3 महीने लगे, पहला अपने कोल रखिया, फिर मारपीट करन लग पई, फिर उहनूं शैल्टर हाउस भेजिया, फिर उहदी टिकट उहदे रिश्तेदारां ने भेजी ते उहनूं इंडिया भेजिया। एक केस होवे तां दसां, दर्जना हुण दसां, सैकड़ां दी तादाद विच नहीं, हजारां दी तादाद विच केस है, कुछ गल्लां सामने नहीं आउंदियां। इस करके बराए मेहरबानी कनेडा आने तो बच्चा भेजन तो पहला 10 बारी सोचियो। अज बड़ा अक के मैं वीडियो पाउन लग्या है, क्योंकि किन्ने फोन मैनू कल दे जॉब दे लई, मैं सिर्फ एमाजॉन का कोड देना सी भी इस कोड ते शुक्रवार नूं जिहड़ी वैकेंसियां एमाजॉन कढ दिया उते अप्लाई कर लियो। यकीन करियो 100 तो ज्यादा फोन मैनू आ चुके ने और हजे भी आई जाने, मैं सारे कोड भेजी जाना। हुण एमाजॉन कोल भी तो लिमिटेड नौकरियां ने,
100 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੇ, 200 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੇ, 500 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 600 ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਹੋਏ। ਗਰੋਸਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 16-17 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਡਸਰ $8,000 ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ $8,000 ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, $8,000 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, 2-4 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਪ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।